हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शोमाली। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लाई हूं 5 अमेजिंग टिप्स फॉर फर्स्ट हेयर ग्रोथ। तो हेयर ग्रोथ को लेके हम सबका बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। अरे भाई, हेयर होगा तभी तो जाके हेयर स्टाइलिंग हम करेंगे, हेयर अलग अलग टाइप की हेयर कट करेंगे। अगर हेयर ही ना हुआ तो क्या करेंगे। तो इस तरह से हमारे लुक को चेंज करने के लिए हेयर फर्स्ट ग्रो होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं लॉन्ग हेयर, उनके लिए तो ये और भी ज़्यादा फायदेमंद है। हर कोई मेरी तरह थोड़ी होता है कि शॉर्ट हेयर में बहुत खुश होता है, जब भी लंबा होता है फिर से कट कर लेता है। तो आज आपको एक एक करके जो जो टिप्स मैं आपको दूंगी ना, वो सारे टिप्स अगर अकॉर्डिंगली जिस तरह से मैं बोल रही हूँ, अगर उस तरह से अगर आप यूज़ कर सकते हो, एक हफ्ते के अंदर 2 इंच तक आपका हेयर लंबा हो सकता है। ये आप खुद देख लेना। नंबर वन, एक ग्लास बोल में थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लीजिए। आपका हेयर केयर जो ब्रांड है वो मैं चेंज करने के लिए नहीं बोलूंगी। जो भी ऑयल आप रेगुलर के लाइफ में यूज करते हैं, पर प्रेफरेबल है कोकोनट ऑयल। अगर कोकोनट ऑयल थोड़ा सा अगर आप एक बोल में लेके माइक्रोवेव में थोड़ा सा अगर हीट दे लेते हो तो वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। और आपको चाहिए कुछ गार्लिक के बल्ब्स। तो गार्लिक के बल्ब्स को आपको थोड़ा सा क्रश करना पड़ेगा, उसे कम्प्लीटली मैश मत कर देना, थोड़ा सा क्रश कर लेना। और जो वर्म कोकोनट ऑयल था उसके साथ आपको क्रश्ड गार्लिक को मिक्स करना है। और अच्छे से मिक्स करने के बाद एक कॉटन बॉल के थ्रू या कॉटन के थ्रू आपके स्कैल्प पे से अप्लाई करना है। तो हॉट ऑयल जब भी आपके स्कैल्प पे आएगा, हेयर फॉलिकल्स में जो जर्म है वो निकल जाएगा और आपका जो हेयर ग्रोथ है वो प्रमोट होगा। तो इस तरह से ये ऑयल आपके हेयर ग्रोथ को फास्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है, अगर इसे आप एवरी ऑल्टरनेटिव डे यूज़ करते हो तो। एवरी डे तो नहीं बोलूँगी क्योंकि हमारे आजकल का जो बिजी लाइफ है ना, तो वहाँ पे एवरी डे हेयर ऑयल यूज़ करना तो पॉसिबल नहीं है। पर अगर हो सके, अगर आप यूज़ कर सके तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। एवरी डे रात को जब भी आप सोने जाएंगे उससे पहले इसे यूज़ कर लेना और उसके बाद आप आराम से सो जाना। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप ऐसे ही रह सकते हो, या वीक में 2 बार जैसे कि शैम्पू करते हो, शैम्पू करके अपना स्कैल्प को क्लीन कर सकते हो। तो इस तरह से ये ऑयल आपके हेयर ग्रोथ को फास्ट करने के लिए अमेजिंग साबित हो सकता है। और नंबर 2 है शैम्पू। तो जब शैम्पू कंडीशनर की बात आ ही जाती है तो यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूंगी, हमारे लाइफ में, हमारे हेयर में जितना भी प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम के सलूशन के लिए हम सिर्फ और सिर्फ अच्छे से अच्छा शैम्पू ढूंढते रहते हैं। मतलब सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम शैम्पू के ऊपर ही दे देते हैं कि आप अच्छा सा शैम्पू यूज़ करो या कोई महंगा सा शैम्पू यूज़ करो, हमारे हेयर के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। पर गाइज, एक्चुअली शैम्पू कम से कम यूज़ करना चाहिए। वीक में 2 दिन आप शैम्पू कर सकते हो, 1 दिन अगर होता है तो अच्छी बात है। पर जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा बाहर निकलते हैं, तो उनके लिए मैं बोलूँगी 2 बार शैम्पू करना इंपॉर्टेंट है। पर ज़्यादा शैम्पू मत करना क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा शैम्पू में होता है सल्फेट, जो कि हेयर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। और माइल्ड जो शैम्पू है वो तो हम यूज़ करना नहीं चाहते क्योंकि हमें लगता है कि जितना स्ट्रॉन्ग होगा शैम्पू उतना हमारे हेयर के लिए अच्छा होगा। पर ये बिल्कुल गलत फहमी है हम लोगों का कि शैम्पू जितना माइल्ड होगा उतना ही अच्छा है। वो काम करे पर धीरे से, फर्स्ट कम करने वाला चीज़ फर्स्ट खराब भी कर सकता है। तो इससे अच्छा है कि हम कम से कम शैम्पू यूज़ करें। और शैम्पू का मतलब क्या है, हमारे हेयर को क्लीन करना। तो हेयर क्लींजिंग के लिए जब हम यूज़ करेंगे तो हेयर क्लीन हो जाए उतना काफ़ी नहीं है क्या? हेयर ग्रोथ भी करना है, हेयर फॉल को भी रोकना है, तो इतनी सारी चीज़ों का तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए होम रेमेडी तो है ना। तो शैम्पू कम से कम यूज़ कीजिएगा और हेयर कंडीशनर, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन मैं तो बोलूँगी कि शैम्पू से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशनर है, क्योंकि कंडीशनर हमारे हेयर स्कैल्प को टच नहीं करता, वो सिर्फ हेयर एंड के लिए बनाया गया है। क्योंकि हेयर के मिडिल से लेके बिल्कुल एंड तक आपको इसे यूज़ करना होता है और ये आपके हेयर के जितने भी नॉट्स हैं उससे नॉट्स को क्लियर करते हैं और उसके साथ साथ हेयर को बहुत ही स्मूथ बनाते हैं। और कंडीशनर हमारे स्प्लिट एंड के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। स्प्लिट एंड के कारण कई बार हमारे हेयर लेंथ को हम नोटिस नहीं कर पाते, वो जितना भी लॉन्ग हो लंबा हो पर उसे हम कभी नोटिस नहीं कर पाते क्योंकि स्प्लिट एंड जब होता है ना तो ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ से आपका हेयर छोटा लगने लगता है। तो इसलिए उसका भी रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है और कंडीशनर एक ऐसा चीज़ है जो कि उसको रिपेयर करते हैं। इवन यहाँ पे और एक छोटा सा टिप मैं आपको देना चाहूँगी कि हेयर कंडीशनर की बात करी हूँ, यहाँ पे अगर आप कोई मार्केट प्रोडक्ट यानी कि कोई हेयर मास्क भी यूज़ करते हैं ना, जो कि कमर्शियल प्रोडक्ट है, होम रेमेडी नहीं, तो वो भी आप अपने स्कैल्प पे प्लीज़ यूज़ मत करना। स्कैल्प से थोड़ा सा डिस्टेंस रख के आप यूज़ करना, तो वो भी आपके हेयर स्प्लिट एंड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
विंटर में हमेशा हम गर्म पानी से अपना हेयर वॉश करने की कोशिश करते हैं। इवन हमारे माँ नानी का भी यही कहना होता है कि जब हेयर ज़्यादा गंदा हो जाता है ना तो गर्म पानी यूज़ करो, यानी कि लूकॉम वाटर यूज़ करो, अपना हेयर जो है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। पर गाइस ये हेयर रूट को ख़राब कर देते हैं। वार्म वाटर कभी भी यूज़ मत करना अपने हेयर वॉश के लिए। ठंडे पानी हमेशा हेयर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। और अगर वो पानी बारिश का हो तो बारिश का पानी तो अमेजिंगली काम करता है हेयर के लिए, पता नहीं क्यों, पर इतना सिल्की और इतना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं हेयर को, मतलब ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। पर आजकल ये बारिश का पानी कौन स्टोर करता है, कौन अपने हेयर में यूज़ करता है। पर प्लेन जो नल का पानी है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, पर नॉर्मल टेम्परेचर का, तो आप देखना आपका हेयर ग्रोथ बहुत फास्ट होगा। गर्म पानी आपके फास्ट हेयर ग्रोथ को रोकता है। एंड गाइस अभी बारी आती है फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ पॉइंट पे मैं थोड़ा सा खाने पीने में ध्यान दूंगी, क्योंकि इंटरनली भी हेयर ग्रोथ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनली भी आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसके कारण आपका हेयर ग्रोथ बहुत अच्छा हो, बहुत फास्ट हो, और वो है रॉ बीटरूट जूस, या तो बीटरूट और स्पिनच, वो भी रॉ। तो इस तरह से इंडिया में रॉ स्पिनच खाना कितना फ़ायदेमंद रहेगा मुझे पता नहीं, क्योंकि आजकल बहुत सारे पेस्टिसाइड्स यूज़ किया जाता है ये सारी चीज़ों में। तो जितना अच्छी तरह से हो सके इसे क्लीन कर लीजिए ग्रीन वेजिटेबल्स को या फ्रेश वेजिटेबल्स को। उसके बाद स्पिनच को आप किस तरह से ले सकते हैं रॉ, वो भी तो आप मिल्क, बनाना और स्पिनच, रॉ स्पिनच, ये अगर एक साथ मिक्सर ब्लेंडर में डाल के एक स्मूदी बना लेते हो ना, तो इस स्मूदी को दिन में एक ग्लास करके एवरी डे लीजिए, तो अब देखना किस तरह से आपका हेयर ग्रोथ होता है, कितना उसका जो डेंसिटी है वो कितना बढ़ता है, कितना फास्ट आपके हेयर ग्रोथ होता है। मतलब स्पिनच से अच्छा हेयर ग्रोथ के लिए खाने पीने की चीज़ों में शायद ही और कुछ हो सकता है, शायद मेडिसिन हो सकता है। और अगर नेचुरल चीज़ों की बात करो तो स्पिनच इज एक्सेलेंट फॉर योर फर्स्ट हेयर ग्रोथ। और एक चीज़ है वो है बीटरूट, तो बीटरूट जूस तो वैसे भी हम ले सकते हैं, थोड़ा सा लेमन क्विज करके बीटरूट को जूस बना के थोड़ा सा सॉल्ट यूज़ करके हम उसे पी सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा एक जूस भी बनता है और आपके हेयर और स्किन दोनों के लिए बहुत अच्छा है। तो ये दो चीज़ मैंने देखा है हेयर ग्रोथ के लिए बहुत बहुत ज़्यादा काम आते हैं। अगर हो सके तो एवरीडे से लेने की कोशिश कीजिए, एक दो हफ्ते के बाद आप खुद बोलेंगे कि आपके हेयर पे इसका असर किस तरह से पड़ा है। एंड गाइस मेरा लास्ट और फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है हेयर मसाज। तो जब भी हेयर ग्रोथ की बात आती है तो सबसे पहले हमारे नज़र में आता है स्कैल्प। अगर स्कैल्प को आप ठीक ठाक रख सकते हो तो आपका हेयर ग्रोथ अच्छा होगा, हेयर फॉल रुकेगा, और हेयर में जितने भी इन्फेक्शन जो भी है जिसके कारण से आपका हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा है वो सारे चीज़ें क्लियर हो जाएगा। तो स्कैल्प के लिए हम मैक्सिमम और सबसे ईजी तरीके से क्या कर सकते, वो है हम स्कैल्प मसाज कर सकते, जिसे हम हेड मसाज भी बोल सकते, हेयर मसाज भी बोल सकते। तो वो हमेशा थोड़ा सा हॉट ऑयल में करना। हॉट ऑयल का हेयर मसाज जो है ना वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि जब भी आप मसाज करेंगे बहुत ही हल्के से और फिंगर टिप से इसे करना, चाहे पार्लर जाके करो या घर में करो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जब भी आप स्कैल्प को थोड़ा सा मसाज देंगे ना तो ब्लड सर्कुलेशन स्कैल्प पे बहुत अच्छा होगा। तो इस तरह से हफ्ते में एक बार एटलीस्ट हॉट ऑयल से अपना हेयर मसाज करना, और उसके बाद मतलब 30 मिनट्स तक हेयर मसाज करना, उसके बाद और भी 30 मिनट्स के लिए रहना, फिर अपने हेयर वॉश कर सकते हैं और विदाउट शैम्पू भी कर सकते हैं, और ठंडे पानी से ऐसा ही एक अच्छा सा रिफ्रेशिंग शावर ले सकते हैं। तो इस तरह से अपने हेयर को अगर मेंटेन कर सकते हैं ना तो एक दो हफ्ते के अंदर आप देखना आपका हेयर लेंथ किस तरह से बढ़ता है। आप खुद नोटिस करना, पहले दिन एक पिक्चर लेके रखना, एक हफ्ता या दो हफ्ता बाद अगर रेगुलरली से करते हो तब जाके और एक पिक्चर लेना, फिर आपको डिफरेंस पता चलेगा। तो ये 100% वर्क करता है, और ये जो रूटीन है ये सिर्फ मैं नहीं, मेरे कई सारे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स जिनको मैं ये सजेशन देती हूँ तो वो लोग भी यूज़ किया है, और वो लोग खुद मुझे मैसेज करके मुझे फ़ोन पे बोलते रहते हैं कि ये अमेजिंगली काम किया, और मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर आपके साथ एक वीडियो बनाया जाए। टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये ज़रूरी नहीं कि या फिर आपको बैठ बैठ के मैं कोई इतने सारे इंग्रेडिएंट्स मिला के एक स्मूदी टाइप बना के हेयर में लगा के दिखाऊं, हमेशा वो काम करता है ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें जो डेली लाइफ में हम भूल जाते हैं वो अगर मेंटेन करते हैं ना तो ईजिली हमारा फास्ट हेयर ग्रोथ हो सकता है। तो चलिए गाइज, आई होप कि ये आपके लिए काम करे, क्योंकि ये मेरे लिए भी काम करता है, पर मुझे शॉर्ट हेयर पसंद है ये अलग बात है, मुझे अच्छा लगता है। आता है ये वीडियो से आपको अगर थोड़ा सा भी हेल्प हो सकता है तो इस वीडियो के एक लाइक, शेयर और इस चैनल को एक सब्सक्राइब तो ज़रूर मिलना चाहिए आपकी तरफ से। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं और एक इस तरह के वीडियो के साथ, तो अभी के लिए बाय बाय।